हेलो पीपल, दिस इज डॉक्स एंड ये एक वीडियो है उशिनोको के ऊपर। आई नो तुमने ऑलरेडी उशिनोको पे 3600 वीडियोस देख चुके हो एंड आई नो मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ, बट स्टिल यार देखो हम यूट्यूबर्स हैं, अगर हम बहती गंगा में हाथ नहीं धोएंगे तो कौन धोएगा। सो ये एक रिव्यू वीडियो नहीं बल्कि एक ओपिनियटेड वीडियो होने वाली है उशिनोको के एनिमे / मांगा के ऊपर। देखो उसमें उशिनोको को देखने से पहले काफी पहले उशिनोको को पढ़ रहा था। आई नो अब जो मैं कहने वाला हूँ ये बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी कह चुके हैं, बट मैं स्टिल मैं कहना चाहता हूँ, आई थिंक उशिनोको हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फर्स्ट एपिसोड। देखो एक फर्स्ट एपिसोड का काम होता है इम्प्लिकेट करना कि आने वाली स्टोरी कितनी खतरनाक होने वाली है, और आई थिंक इस पर्टिकुलर फर्स्ट एपिसोड ने बहुत अच्छी तरह बता दिया कि स्टोरी बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। फर्स्ट एपिसोड का काम क्या होता है, वो हमें मोटिवेशन देता है, वो हमें एक एक्सपेक्टेशंस देता है। फर्स्ट एपिसोड डिसाइड करता है कि हम स्टोरी से कितना ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, कितना अटैच रहेंगे, कब तक रहेंगे, ये हमारा फर्स्ट एपिसोड डिसाइड करता है। एंड टू बी ऑनेस्ट इट वॉज फकिंग अमेजिंग, जो एक्सपीरियंस था मेरा फर्स्ट एपिसोड के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था। एंड आई एम फकिंग अमेज्ड इस एपिसोड ने कितने अच्छी तरीके से अपने ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब किया। ऐसे सारे एपिसोड्स नहीं कर पाते, इतनी अच्छी मोटिवेशन वो लोग फर्स्ट एपिसोड में नहीं दे पाते। फॉर एग्जाम्पल वन पीस का जो फर्स्ट आर्क था उसका नाम क्या था, आई थिंक रोमांस डॉन ने हमें वो मोटिवेशन नहीं दी जो उसको देनी चाहिए थी, एज इट वॉज द फर्स्ट आर्क ऑफ द सीरीज। हमें वो मोटिवेशन दी आलोंग पार्क ने, बट स्टिल हमें वो हाई हिटिंग मोटिवेशन नहीं मिली वन पीस से कभी भी। स्टोरी जितना बिल्डअप हुई हमारी मोटिवेशन उतना ज़्यादा ही बिल्डअप होती रही, ये अच्छी बात थी। क्या मैंने अभी बैठे बैठे एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया? अगर हम किसी ऐसे एनिमे पे बात करें जिसने हमें फर्स्ट एपिसोड से बहुत मोटिवेटेड रखा, बहुत हाई हिट रखा, हमारा खून खौलने लगा फर्स्ट एपिसोड से, आई थिंक वो था अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन इज अ मास्टरपीस। पहला एपिसोड लाइक बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया था, जिसको मैं आज तक नहीं भूल सकता। आज भी देखो तो यार गूज़बम्स आ जाते हैं, खून खौलने लग जाता है। इट वॉज जस्ट अमेजिंग। अगर हम उशिनोको के टॉपिक पे वापस आए तो मैंने उशिनोको पे एक वीडियो बनाने पे इतना लेट क्यों किया, मैं पूरा एक महीना रुका, पता है क्यों? बिकॉज ये मेरी पर्सनल बिलीफ है, मुझे लगता है कि मैं एक एनिमे पे ठीक ठाक जजमेंट तभी निकाल सकता हूँ जब उसके 3-4 एपिसोड आ जाए। बट मुझे ऑनेस्टली लगता है कि अगर मैं फर्स्ट एपिसोड पे वीडियो बना देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज पहला एपिसोड 1 घंटा 22 मिनट का था। 1 घंटा 22 मिनट, ये मूवी है, ये कोई एनिमे का फर्स्ट एपिसोड नहीं है। देखो मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, मैं तारीफ करना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक उशिनोको के क्रिएटर्स ने पेसिंग को मास्टर कर लिया। इतनी कमाल की पेसिंग मैंने आज तक नहीं देखी। फर्स्ट एपिसोड मुझे किसी भी एंगल से लंबा नहीं लगता, बल्कि मुझे बहुत वर्थ द वॉच लगता है। मुझे कोई भी चीज़ मुझे एपिसोड के अंदर एक्स्ट्रा फील नहीं होती है, ये अच्छी बात है। मुझे बोरिंग कहीं नहीं लगता, ऐसा लगता है एपिसोड ने मुझे फर्स्ट सीन से पकड़ के रखा है और एंडिंग तक पकड़ के रखा था, जो बहुत अच्छा था। उशिनोको के क्रिएटर्स ने पेसिंग को लाइक बहुत अच्छी तरीके से किया, लाइक बहुत ही अच्छी तरीके से। फर्स्ट एपिसोड इतना बढ़िया था कि एपिसोड के एंड तक मैं कुत्तों की तरह रो रहा था। बट मैं क्यों रो रहा था? क्या मैं इसलिए रो रहा था क्योंकि एपिसोड बहुत इमोशनल था? बिल्कुल इमोशनल तो था, बट एक्चुअली वो रीजन नहीं था। मेरे रोने का मेन कारण था एपिसोड की पेसिंग। एपिसोड की पेसिंग बहुत अच्छी थी, इवन जस्ट लाइक कि एपिसोड के क्रिएटर्स ने सब कुछ सेट करके रखा था कि इस चूतिया को कैसे रुलाना है। उन्होंने हर एक चीज़ की, उन्होंने पहले स्टोरी को बिल्डअप किया, हर एक चीज़ का एपिसोड इतना लंबा बनाया जानबूझ के ना कि आपको वो इम्पैक्ट दे पाए। एपिसोड की हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया, और एपिसोड के एंड में आपको दिल में तीर मार के आपके मगरमच्छ के आंसू निकाल दिए, बहुत गंदा था। ये तो एक घंटे का एपिसोड था, तो आपके आंसू निकालने के लिए इन्होंने बहुत कुछ प्रिपेयर किया। बट ये पहली बार नहीं है कि आपको फर्स्ट एपिसोड में आपके आंसू निकल जाए। अगर मैं किसी ऐसे एपिसोड की बात करूँ जिसको देखकर आपके आंसू एक सेकंड में निकल जाए, वो था अटैक ऑन टाइटन। फिर से अटैक ऑन टाइटन को भी हमने जो देखा था, हमारी बहुत बुरी तरीके से हमारे आंसू निकल गए थे, बट उसको भी देख के क्यों निकले थे? उसमें भी बहुत स्ट्रेटेजिक थिंग्स थे। उसमें मेजरली 3 पॉइंट्स थे मेरे हिसाब से, जिसकी वजह से हम बहुत इमोशनली हर्ट हुए थे। पॉइंट नंबर 1, 2013 में वो पहली बार कोई ऐसी चीज़ थी जो हमें एज अ ऑडियंस मिली थी। एक दीवार है, पीछे मॉन्स्टर्स है, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था 2013 के हिसाब से। सेकेंड पॉइंट जो मुझे लगा था वो था एरेन और कार्ला का जो रिलेशन था, एक मदरहुड का जो रिलेशन था, उससे आई थिंक सब लोग कनेक्ट कर पाए। जब जो वो हुआ इंसिडेंट, उसको देख के सब बहुत इमोशनली हर्ट हुए। एंड थर्ड पॉइंट जो था वो था ब्रूटलनेस। इट वॉज जस्ट टू ब्रूटल टू बी ऑनेस्ट। एनिमे के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। जब एक एनिमे ये तीनों कॉम्पोनेंट्स साथ में ले आता है, तो आप इतने इमोशनली हर्ट होते हो कि आपका दिमाग आपके आंखों में से आंसुओं का जो डैम है वो खोल देता है और आपके आंसू बहने लग जाते हैं। इट वॉज जस्ट एपिक ऑनेस्टली। उशिनोको का फर्स्ट एनिमे का इम्पैक्ट कितना हैवी है, कितना भारी है, तुम बस इस बात से अंदाज़ा लगाओ कि ऑलमोस्ट सारे एनिमे कॉन्टेंट क्रिएटर्स इस पर वीडियो बना रहे हैं, इवन मैं भी।
नाइस। ओके पीपल, अब हम बात करने वाले ओशिनोको की मांगा के ऊपर। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, एज अ प्रोफेशनल मांगा रीडर मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ किसी भी सीरीज को रिवॉच या फिर रीरीड करने में काफी मजा आता है, इट कैन बी वेरी फन। बट ओशिनोको जैसी सीरीज को रीरीड करने में गांड फट जाती भैंस, क्या डिप्रेशन आता था, एंग्जाइटी आती रहती दिमाग में, इतने मुश्किल होती है। पर्टिकुलरली इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने ओशिनोको को 3 बार रीरीड किया, बिकॉज मुझे तो चीजें समझ ही नहीं आ रही, ऐसी दिमाग के ऊपर से निकल रही सीरीज, मैं हर एक एस्पेक्ट्स को पढ़ रहा हूँ बार 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 बार। यार इट वॉज बैड, इट वॉज रियली बैड टू बी ऑनेस्ट। ओके, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ ओशिनोको का एक्चुअली प्लॉट क्या है, लोग इतना पागल क्यों हो रहे हैं इस सीरीज के पीछे। तो ओशिनोको का प्लॉट है, और ये है ओशिनोको का प्लॉट। आप आई बिलीव आप समझ ही गए होंगे प्लॉट एग्जैक्टली क्या है ओशिनोको का। ओशिनोको हमें काफी ज्यादा एक मिस्टीरियस और थ्रिलर से भरा प्लॉट प्रेजेंट करता है, बट क्या ओशिनोको ऑनेस्टली इतना ही हमें प्रेजेंट करता है? नहीं, ओशिनोको एक्चुअली हमें काफी सारी चीजें देता है एक्सप्लोर करने के लिए, एक्चुअली काफी ज्यादा भयानक चीजें देता है एक्सप्लोर करने के लिए। एनिमे काफी ज्यादा फेमस है अपने एनिमे के अंदर बहुत ही रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को घुसाने के लिए, और ओशिनोको भी वही करता है। ओशिनोको बहुत ही सीरियस वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को अपने शो के अंदर कैरी करती है। आई थिंक इस बात से सभी फेमिलियर है कि जापान का वर्क कल्चर कितना टॉक्सिक है, और आइडल कल्चर तो उससे भी ज्यादा। इस सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट मेजर पॉइंट था जिसने मुझे काफी ज्यादा हिट किया, वो था कैंसिल मूवमेंट। कैंसिल मूवमेंट एक ऐसी चीज है जो हम डेली बेसिस पे लोगों को करते हुए देखते हैं, हमारे आंखों के सामने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज दब जाते हैं, ये होता रहता है। एंड बट ये सीरीज हमें उस चीज को और इन डेप्थ दिखाती है कि कैंसिल मूवमेंट एक्चुअली एक इंसान के साथ क्या करता है। आप अपने ट्वीट से कैसे किसी बंदे का मर्डर करते हो, ये सीरीज दिखाता है इन डेप्थ करके। एंड आप बोलोगे मैंने कब किसका मर्डर किया, वेल तुमने टेक्निकली नहीं किया बट शायद तुमने किया, अगर तुम कैंसिल मोमेंट में थोड़ा सा भी पार्ट लेते हो किसी भी तरीके से तो तुमने शायद किसी का मर्डर भी किया है, पता नहीं। सीरीज में वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर इज आई होशिनो हरसेल्फ। आई का कैरेक्टर मुझे पसंद है बिकॉज शी इज वियर्ड एंड शी इज अनार्थ। देखो अनाथ कैरेक्टर्स एनिमे के अंदर बहुत एक कॉमन चीज बन गई आज के टाइम में, बट आई थिंक आई इकलौती ऐसे कैरेक्टर्स है जो अपने अनाथ होने को एक्चुअली ढंग से पोर्ट्रेट करती है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो कैसे हर चीज को करती है। आई का कैरेक्टर है एक आइडल का सीरीज के अंदर, एंड आई थिंक आई पर्सनली थिंक आइडल इज द वर्स्ट करियर चॉइस शी कैन पिक। लाइक उसको कभी प्यार नहीं मिला और उसका काम है लोगों को प्यार देना, तुम समझ सकते हो ये कितना वर्स्ट सिचुएशन है, वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है। बट आई थिंक आई ने इसको वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल वे में हैंडल किया है। आई ने अपने हर चीज को टेक्स्ट बुक वर्क रखा है, टेक्स्ट बुक वर्क समझते हो तुम लोग, हर चीज को रट्टाफिकेशन मारना, आंसर नहीं समझते बच्चे, रट्टाफिकेशन मार लेते कि हमें ये आंसर लर्न करना है और एग्जाम में लिख देना, वो ये नहीं समझते कि फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, वो ये समझ लेते कि फोटोसिंथेसिस ये करता है, ये वही था। आई ने हर चीज बिल्कुल टेक्स्ट बुक वर्क रखा था। एनिमे में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे ये दिखाते कि उसकी ऑडियंस खुश होती है बिकॉज वो जिस तरीके से हंस रही है तो उसको याद कर लेती कि मुझे इस तरीके से हंसू तो लोग मुझे ज्यादा पसंद करेंगे। आई थिंक आई इकलौती ऐसी कैरेक्टर है जो अपने ऑर्फन होने को बहुत ही अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करती है, और भी कैरेक्टर्स है बट आई इज जस्ट अमेजिंग। आई का जो करियर है, जो उसका बेस है, वो पूरा झूठ से बनाया, हर एक चीज इसमें झूठ है। इस सीरीज के अंदर बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स काफी डीप है, ये तो हमें पता है, पर ये सीरीज एक स्टेप अहेड होके हमें उन सारे कॉम्पोनेंट्स को इन डेप्थ दिखाती है कि ये सारे पॉइंट्स काम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल झूठ, झूठ एक ऐसी चीज है जो लोगों का करियर बना भी सकती है और लोगों का करियर बर्बाद भी कर सकती है रातों रात। एंड आई एक ऐसी आइडल है जिसका करियर झूठ के बेसिस से बना है फॉर सम वेरी वैलिड रीजंस। आई को कभी प्यार नहीं मिला तो आई ने लोगों को प्यार दिया झूठ बोल के कि दैट शी लव्स यू। इट्स नॉट लाइक शी डोंट लव यू, इट्स जस्ट शी डोंट नो हाउ टू लव, उसको नहीं पता कि आपको कंफर्ट कैसे करे, वो बस अपना ट्राई हार्ड कर रही है, वो लोगों को देख के समझ रही कि ये करने से लोग अगर पसंद कर रहे तो मैं यही करूँगी, क्या ये इतना मुश्किल है समझना। स्पीकिंग इस सीरीज में बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए, और अगर मैं हर चीज़ पर बात करने लग जाऊँ तो यार काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी, इसको थोड़ा छोटा ही रखते हैं। यू नो एक एडवाइस दे सकता हूँ, ओशिनोको को ना थोड़ा सा क्रिटिकल होके देखना, ज़्यादा मज़ा आएगा।
ओशिनोको काफी बुरी तरीके से अपनी सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ रही है। क्या तुम्हें पता है कि ओशिनोको करंटली एमएल की सबसे हाईएस्ट रेटेड एनिमे है? नाइस ना। बट ये सब कुछ देख के ना एक जेन्युइन सवाल आता है दिल में, क्या ओशिनोको कभी भी अपना डाउनफॉल फेस करेगी? आई थिंक इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। मैं बताता हूँ क्यों। ओशिनोको का जो टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए उसको काफी सारे साइड क्वेस्ट करने पड़ेंगे और ये साइड क्वेस्ट थोड़े वीक पॉइंट बन सकते हैं। मैं बताता हूँ क्यों। ओशिनोको के जो ये साइड क्वेस्ट है ये काफी टेक्निकल है एंड टेक्निकल पॉइंट्स पे जब सीरीज आती है ना तो थोड़ी सी मुंह की खा जाती है। मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ ये साइड क्वेस्ट एग्जैक्टली है क्या। ये कुछ ऐसे सीरीज के ऐसे पार्ट्स हैं जो स्टोरी को बिल्डअप करने के लिए होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, बट ऑडियंस कभी कभी इन पार्ट्स में थोड़ा बोर हो जाती है। मुझे जो सीरीज दिमाग में आती है जो अपने साइड क्वेस्ट की वजह से थोड़ा डाउनफॉल में चली गई वो था कॉस्प्ले डार्लिंग। कॉस्प्ले डार्लिंग जब आया था इट वॉज द हिट, इट वॉज इंस्टेंट हिट, लोग काफी पसंद कर रहे थे, वाइफू क्यूट वाइफू बहुत कुछ वगैरह वगैरह। बट आज के टाइम में कॉस्प्ले डार्लिंग काफी डाउनफॉल में है, लोग ज्यादा कॉस्प्ले डार्लिंग को इतना याद नहीं करते। करंटली आई एम रीडिंग द कॉस्प्ले डार्लिंग द मांगा, बट लोग इतना एंजॉय नहीं कर रहे हैं क्योंकि कॉस्प्ले डार्लिंग काफी टेक्निकल घुस गया है कॉस्प्ले के अंदर, कि कॉस्प्ले के कंपोनेंट्स क्या है, कॉस्प्ले कैसे काम करता है, इंडस्ट्री कॉस्प्ले की कैसे होती है, ये चीज पे हो गया है। एंड ये सेम प्रॉब्लम मैं शायद देख सकता हूँ ओशिनोको, बिकॉज ओशिनोको के अंदर काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट मीडिया को एक्सप्लोर किया गया है तो वहां पे ऑडियंस थोड़ा बहुत बोर हो सकती है। देखो मैं पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ओशिनोको अपना डाउनफॉल किसी भी तरीके से देख सकती है, बट स्टिल एक थियरी ये हो सकती है कि ओशिनोको शायद अपना डाउनफॉल देखे। रियली रियली थैंक यू पीपल फॉर वॉचिंग दिस गॉडडैम वीडियो। ओशिनोको पे मुझे पर्सनली काफी टाइम से वीडियो बनाने का मन था बिकॉज इट्स ए ट्रेंडी टॉपिक एंड सेकेंड मुझे ओशिनोको जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इफ पॉसिबल तो अपने एनिमे मित्र मंडल से हमारा वीडियो शेयर करो और प्लीज एनिमे कम्युनिटी में हमारा थोड़ा सा नाम बना दो। सी यू सून, बाय।